ले भाई, ले रे बोलुआ, ले ये तू भी ले। अरे गुरु, क्यों अपने बाप का हिस्सा भूल गया क्या? किस बात का हिस्सा? भोगत का माल है क्या? हिस्सा लेने आया अपना। अरे उस्ताद, एक मिनट उस्ताद, ये नया है। तुमने मेरी तारीफ नहीं बताई इस नए रंगरूट को। उस्ताद ये बिल्कुल समझ गया होगा। अबे गधे, अपने उस्ताद का हिसाब बंधेला है। ले उस्ताद, 100 तुम रख लो, 50 मैं रख लेता हूं। तो समझदार है, 50 उससे ले लेना। इससे? हाँ, माल कमाए जाओ और मलाई देते जाओ आपको। 1 50 रुपया देगा तो ये गरीब खाना खाएगा। अबे डुक्कर के औलाद, तू भीख मांग रहा है क्या? बगैर मांग रहा है? बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग चल रही है भाई। शंकर भैया, चल बे फट। मेरे काम का क्या हुआ? सब तय है, लेकिन उस्ताद तुम्हारा धंधा तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। दूसरे मेहनत करते तुम मलाई खाते हो, खाए जाओ। सो तो है, मगर एक बेटे की शक्ल में मेरे घर में एक मेहमान आने वाला है, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी? ठीक है। सब मालूम है, तुम जाओ संभाल के।
तुम हमारे बारे में नहीं जानते, लेकिन हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। ये रही तुम्हारी जन्मपत्री। पहचान तो गए होगे अपनी बीवी और बच्ची को, और सोच रहे होगे कि हमारे पास ये कैसे आया। ये हमारे काम करने का तरीका है कि जो भी नया आदमी हम अपने ग्रुप में लेते हैं, पहले उसकी जन्म पत्री बनवा लेते हैं। अगर वो हमसे धोखा करने की कोशिश करे तो बाकी का हिसाब किताब हम उसके बाल बच्चों से निपट लेते हैं, मतलब साफ करवा देते हैं। सोच लो। सोच कर ही आया हूं साहब, काम बताए। ये रखो, हमारा असूल है कि पहले हम दाम देते हैं, बाद में काम बताते हैं। काम की खबर तुम्हें पहुंच जाएगी। सुनिए, आपने अपना नाम नहीं बताया। हमारे यहां काम नाम से नहीं, नंबर से होता है। और ये याद रखना, मेरा नंबर एक है और तुम्हारा सात। नंबर सात। मुबारक हो शंकर। किस बात के मुबारक? अरे उस नए काम की जो तुमने आज ही हाथ में लिया है। तुम्हें कैसे पता चला? अरे भाई, हम भी तो वही काम करते हैं। अच्छा, खिलौने उठाने से पहले नई कमाई में से हमारा हिस्सा तो देते जाओ। वैसे मैं दूसरों के माल में से हिस्सा लेता हूं, देता नहीं। मैं दूसरों में से नहीं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फैसला हो ही जाना चाहिए। उठा लो। उठ। हाथी के मुंह से गन्ना छीनना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। हेलो, अपने चोटों का इलाज करा लिया। मीना बिटिया, मीना बिटिया। अरे बिटिया कहाँ है? शोर मत मचाओ, सो रही है। सो रही है? ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, ये तो जाती हो गई। बाप झक मार के चक्कर चला के बेटी के लिए ये सब खिलौने खरीद के लाता है, और बेटी खिलौने से खेलने से पहले ही, यानी कि बाप को खुश करने से पहले ही सो जाती। बस जाती भाई। हाँ, पेट के महल में मेरे राजकुमार का क्या हाल है? हट हट क्या? मैं 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ कि अब के बार हमारे बेटा ही होगा। आपको ऊपर से कोई टेलीग्राम आया है? अरे टेलीग्राम तो मैंने ऊपर भेजा है, मंदिर में हाथ जोड़ के, मस्जिद में सजदा करके और गिरजा में घुटने टेक कर, यानी कि हर दरवाजे से जहां से इंसान की आवाज मालिक तक पहुंचती है, उन सबको मस्का लगाया है कि इस गरीब के झोले में भी बेटे का सिक्का ही डालना। अरे मेरी जान। पापा मेरी कहानी तो पूरी करो। वही राजकुमार जो बचपन में खो गया था, मैं दिन भर सोचता रहा मगर बात आगे ही नहीं बढ़ी। ओफो वीर, पहले पापा को खाना तो खा लेने दे, इनके आते ही तुझे कहानी की पड़ गई। नहीं भाई नहीं, इसका खोया हुआ राजकुमार तो ढूंढना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं। हाँ पापा, शुरू हो जाओ। हाँ भाई, शुरू हो जाते हैं। हाँ, एक था छोटा सा राजकुमार, बहुत प्यारा, बहुत तगड़ा, बहुत बहादुर। उसका नाम था वीर। मेरे जैसा? बिल्कुल तुम्हारे जैसा। वो इतना बहादुर था कि जंगल में अपने घोड़े पर अपने आप निकल जाता था। एक दिन जंगल में घोड़ा दौड़ा रहा था, और सामने से शेर आया, और फिर उस राजकुमार ने, लो कहानी फिर अधूरी रह गई। आप कौन? मैं शंकर, मेरी बीबी अंदर। मोबाइल रखो, लड़का हुआ है। लड़का हुआ है? अरे भाई कहीं, सबको लड्डू देना, शराब भी बांटो। खाओ भाई खाओ, और खाओ भाई। Thank you.
क्या हो गया? शंकर, तूने मुझे मारा। शंकर, क्या बात कर रहा है तू? तूने मुझे मारा। मैं तो अभी गाड़ी चला के आ रहा हूँ, क्या बात कर रहा है? क्यों मारा मुझे शंकर, क्यों मारा तूने मुझे? पागल, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, अंधेरे में काम किया है, खंडाला की सुरंग में। मुखबरी करने का अंजाम देख लिया साले ने। नंबर वन, नंबर वन, रुस्तम को किसने बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया है, मगर वो समझता है कि चाकू मैंने मारा है उसे। पुलिस के आने पर मैं वहां से भाग निकला। यह तो बहुत बुरा हुआ। खैर, तुम पिछली खिड़की से भाग जाओ, लेकिन याद रखो, अगर पकड़े गए तो हमारा नाम अपनी जबान पर मत लाना और किसी से नहीं बताना कि तुम हमारे गैंग के लिए काम करते हो। चुपचाप सजा भुगत लेना। मगर, मगर मेरी बीवी और बच्चे? उनका ख्याल हम रखेंगे, लेकिन फूले से भी अपनी जबान नहीं खोलना, वरना तुम्हारी बीवी और बच्ची। नंदा, जल्दी से सामान डालो, हमें इसी वक्त अभी ये घर छोड़ देना है। अभी? और रुस्तम, ये क्या कह रहे हो तुम? बहस करने का वक्त नहीं है, किसी ने रुस्तम का खून कर दिया, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई। लेकिन इस वक्त कैसे ले जा सकते हैं? बच्चा बुखार में तप रहा है। हा? ऐसी हालत में इसे यहाँ से ले जाना खतरनाक हो सकता है। बुखार में तप रहा है, मैं इसे अभी अस्पताल लेकर जाता हूँ। अच्छा बेटे, डॉक्टर साहब, अरे आगे कहाँ जा रहे हो? देखते लाइन लगी है। ए मिस्टर, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? चलिए पीछे लाइन में चलिए। भाई साहब, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, मुझे डॉक्टर साहब से मिलने दीजिए। आप बड़े अजीब गरीब आदमी, यहाँ सभी परेशान है, सभी बीमार है, चलिए पीछे लाइन में चलिए। मैं आपके पास पड़ता हूँ, आप पीछे लाइन में चलिए। डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है डॉक्टर साहब, इसे बचा लीजिए। ठीक है, लेकिन मैं एक औरत का चेकअप कर रहा हूँ और आप अंदर चले आए? बातों का वक्त नहीं है डॉक्टर साहब, इसकी हालत बहुत नाजुक है, इसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब प्लीज। डॉक्टर साहब, पहले इस आदमी ने मुझे मारा, फिर जबरदस्ती अंदर घुसाया। क्या तुमने मेरे आदमी को मारा? क्या गुंडा कर दिया? ये शराब का अड्डा नहीं, मेरा दवाखाना है, चले जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब, मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे को मत दीजिए। डॉक्टर साहब, आप ये औलाद वाले होंगे, आपको अपनी औलाद का वास्ता है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। मैं कहता हूँ तुम उठते हो कि नहीं? गेट अप। तूने मेरा असली रूप नहीं देखा है डॉक्टर, आज तक मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। तो खुशकिस्मत है कि मैं तेरे साथ शराफत से पेश आ रहा हूं। जिद मत करो डॉक्टर, वक्त नहीं है, मैं अपनी गलती मानता हूं, मगर मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर साहब, पहले आप इनको देखिए। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी जिसने मुझे छुरा मारा। व्हाट? डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा आपके हवाले है, अगर उसे कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे। क्या तुम ही शंकर की बीवी हो? हाँ, ये लीजिए, अब इसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। नहीं, अरे जाने जहां जाने बाहर, डॉक्टर मल्होत्रा की जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार, दिवाली मुबारक हो आपको भी। मां!
रुक जाओ डॉक्टर, वरना दिवाली के रंग में तुम्हारे बेटे के खून का रंग भी मिल जाएगा। तुम क्या चाहते हो, क्या लेने आए हो यहाँ? तुम्हारे दवा खाने पर जो हिसाब अधूरा रह गया था ना, उसे चुकाने आया हूं डॉक्टर। मैंने कहा था ना कि मेरे बेटे को अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ मत करना। ये मेरी जिंदगी का आखिरी चिराग है, इसके बाद मेरी कोख से औलाद जन्म नहीं ले सकती। मत करना इसे, भगवान के लिए कुछ मत करना। यही चाहता हूं मैं, जिंदगी भर तुम दोनों अपने बेटे के लिए तड़पते रहो, जिंदगी भर उस बोझ के नीचे दबे रहो कि गरीब के बच्चे को जानबूझकर मार देने का क्या फल मिलता है। यही चाहता हूं मैं। नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चलो। शांति, मेरी परवाह मत करो, वीर को बचा लो। तो मुझसे वादा करो, पुलिस को खबर नहीं करोगे ना? नहीं तो वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे। मुझसे वादा करो। वीर। शंकर, आज अपनी औलाद खो गई है तो एक खूनी से अपने खून का पता पूछने आया है। नहीं, अब तू खून के आंसू रोएगा, मगर मैं तुझे तेरे बेटे का पता कभी नहीं बताऊंगा डॉक्टर। देखो शंकर, तुम भी एक लड़की के बाप हो और तुम एक बाप के दिल का दर्द समझ सकते हो। हां, समझ सकता था, लेकिन अब नहीं समझता। ये सब तेरी मेहरबानी का नतीजा है डॉक्टर। मुझे पता है तेरा बेटा कहां है, लेकिन मैं तुझे नहीं बताऊंगा ताकि तुझे भी एहसास हो कि एक औलाद से बिछड़ने का गम क्या होता है, उसके जुदाई बरछियां बनकर दिल को किस तरह छलनी बना देती। नहीं शंकर, नहीं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तुम्हारे बेटे की किस्मत में मौत लिखी थी, इसलिए वो जी नहीं सका। मेरे बेटे की किस्मत में अगर तुम्हारे हाथों मौत लिखी थी तो तुम्हारे बेटे की किस्मत में अपने बाप से बिछड़ना मेरे हाथों लिखा था। घबराओ नहीं डॉक्टर, मैं उसे मारूंगा नहीं, वो जिंदा रहेगा मगर लूला लंगड़ा बनकर, और एक दिन तुम्हारे दर पर आकर वो तुमसे भीख मांगेगा और तुम उसे पहचान नहीं सकोगे। शंकर, शंकर इतने जालिम मत बनो, क्या तुम्हारे अंदर का इंसान भी मर गया, एक बाप की आत्मा भी मर गई? बंद करो ये भाषण, तब तुम्हारे अंदर का वो इंसान कहां मर गया था? जब मैं अपने बच्चे को तेरे अस्पताल लेकर आया था तब तुम्हारे अंदर की बाप की आत्मा कहां मर गई थी? जब मैं तुम्हारे पैरों में पड़कर गिर गिरा रहा था, अब जिंदगी भर तुम रोते रहोगे और मैं खुशियां मनाऊंगा। खुशियां मनाने का वक्त ही कहां है तुम्हारे पास? तुम एक कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुके हो, तुम्हारी जिंदगी की मियाद ही कितनी है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस दिलवा सकता हूं, तुम्हें आजाद करवा सकता हूं। हां शंकर, देखो रुस्तम मेरी क्लिनिक में मरा था, मैं उसका बयान बदलकर तुम्हें सजाए मौत से बचा सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, मुझे मेरे बेटे वीर का पता बता दो। हां शंकर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, खुदा का वास्ता है तुम्हें मुझे मेरे बेटे का पता बता दो शंकर, प्लीज। औलाद की तड़प इंसान को किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदलने पर मजबूर कर देती है। तू मुझे जिंदगी की रिश्वत देने आया था ना, जाओ ठोकर मारता हूं मैं तेरी रिश्वत पे। भूल जाओ कि तेरे घर पे कोई औलाद पैदा हुई थी, भूल जाओ कि इस दुनिया में तेरा कोई बेटा भी है, चले जाओ यहां से, दबाओ जाओ। तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो बैठ लाख देगा, गरीबों की सुनो।
चोट लगे। बाबूजी कुछ खाने को दे दो बाबूजी, दो दिन से भूखी हूँ बाबूजी, दो दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो बाबूजी, कुछ खाने को दे दो। नहीं बाबूजी, हम भिखारी नहीं है, भिखारी नहीं बाबूजी। चलो बेटी हम जाइए, चलो। क्यों हाथ फैलाया तूने, क्यों भीख मांग रही थी? माँ तुम दो दिन से भूखी थी ना, इसलिए। अंकल अंकल मुझे बहुत भूख लगी है। अंकल अंकल मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है और लगने दे, तभी तो तू कहेगा हाजी मलंग के नाम पे एक रुपया देगा तो ये ना खाना खाएगा। अंकल आपको बुखार है? आपको बुखार है अंकल? कर गया राजा, आपको बुखार था ना तो मैं पट्टी लगा रहा था। तू पट्टी? बाहर है मेरे मालिक, ये बच्चा नहीं, तूने बच्चे की शक्ल में इकबाल के घर में फरिश्ता भेज दिया। बाहर है मेरे नन्हे फरिश्ते, बाहर। मैं तेरी आंखें फोड़ के तुझे अंधा बना रहा था। तूने तूने आज इस बदनसीब की आंखें खोल दी, मुझे माफ कर दे दोस्त, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, तुझे तुझे कभी भीख नहीं मांगने दूंगा, कभी भीख नहीं मांगने दूंगा। राजन शंकर तेरे को कहां से डाला, कौन है तेरा माँ बाप? चल भाग चले शंकर से दूर, इस गंदे शहर से दूर भाग चले, चल मेरे दोस्त भाग चले। जब से तुम यहाँ आए हो एक बार भी दिल से खाना नहीं खाया, अब तो मैंने एक बेचारी किस्मत की मारी शरीफ लड़की नौकरानी के तौर पर रख ली है। आप भी बिना पूछे कुछ भी करते रहते हैं, मैं हूँ के भीड़ से दूर भागना चाहता हूँ। आप बाबू जी चाय। ये उसी बेचारी की बेटी है, बोलते हो तो निकाल देता हूँ। बाबू जी तुम भी हमको निकाल दोगे? बाबूजी क्या तुम भी हमें निकाल दोगे? नहीं बेटे, हम तुम्हें नहीं निकालेंगे, तुम यहां रह सकती हो बेटे। No, 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 no.
बाबूजी कहानी सुनाओ ना, कहानी सुनाओ ना बाबूजी। बाबूजी कहानी सुनाओ ना। जरूर सुनाएंगे बेटे। अच्छा बेटे ये बताओ कौन सी कहानी सुनोगे? हाँ वो राजकुमार जो घोड़े पे बैठ के आता है ना, वो वाली कहानी। राजकुमार, राजकुमार वाली कहानी? एक था राजकुमार, उसका नाम था वीर। मेरे जैसा? हाँ बेटे तेरे जैसा। क्या बोले बाबूजी? नहीं बेटे कुछ नहीं, वो राजकुमार बहुत बहादुर था, बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा राजकुमार था।
मीना। आओ। अच्छा वीर, कल फिर उसी जगह। गुड इवनिंग बाबूजी। हाय मम्मी। बहुत दिनों से एक बात मेरे जहन में चुभ रही है, मुझे मीना का उस घोड़े वाले लड़के से मेलजोल बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा ख्याल है उसे हॉस्टल में दाखिल कर देना चाहिए, मगर फिर सोचता हूँ कहीं उसकी जुदाई तुम्हें तकलीफ न दे। बाबूजी आप क्या कह रहे हैं, बेटी की भलाई जिसमें हो माँ उसी में खुश होती है, और मुझसे ज्यादा तो आप ही मीना की जुदाई महसूस करेंगे। मीना तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी? नहीं वीर, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। सच मीना? ये ले, ये लॉकेट मैं तेरे गले में डाल देती हूँ, ये बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखना। मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। अरे एक बात तो भूल ही गई। वो क्या? तुझे मेरी कसम ये किसी को नहीं बताना कि ये लॉकेट मैंने तुझे दिया है। अच्छा? नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। बाबा क्या हो गया? बाबा डॉक्टर साहब क्या हो गया मेरे बाबा को? अभी तो कुछ नहीं हुआ, जल्दी से दवा ले आओ, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। सुनो ये दवा बड़ी दवाइयों की दुकान पर मिलेगी। क्यों? बहुत कीमती दवा है, 100 रुपए तक की आएगी। अच्छा मैं चलता हूँ, दवा मिलते ही मुझे खबर करना, आकर इंजेक्शन लगा दूंगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं बेटा, मुझे मालूम है तेरे पास पैसे नहीं, आप दवाइयों की जरूरत नहीं बेटा, मैं तो अब चंद घंटों का मेहमान हूँ। ऐसी बातें मत करो बाबा, मेरा तेरे सिवा और कोई नहीं है। नहीं बाबा नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा बाबा। सर जी यहाँ रख लीजिए और मुझे 200 रुपए दे दीजिए, मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब है सेठ जी, उनके लिए दवाइयां भी लेनी है। लेकिन इसे संभाल कर रखिएगा, बेचिएगा नहीं, मैं पैसे जमा करके ये हार आपसे वापस ले जाऊंगा। डॉक्टर मल्होत्रा। नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं मानकलाल भीमचंद जोहरी बोल रहा हूँ। मैंने वो आपकी बेटी के जन्मदिन पर जो हार बनाया था, वो हार एक गरीब लड़का मेरे पास गिरवी रखने को आया है। तुम उसे बिठा कर रखो, मैं भी आता हूँ। जी बहुत अच्छा। कहाँ है वो लड़का? डॉक्टर साहब ये रहा वो लड़का और ये रहा वो हार। कहाँ से मिला बेटे, बताते क्यों नहीं? अरे मैं पूछता हूँ ये हार कहाँ से मिला तुम्हें, अरे बताते क्यों नहीं? डॉक्टर साहब चोरी की होगी बदमाश ने। नहीं मैं चोर नहीं हूँ। अरे अगर चोर नहीं है तो फिर बताता क्यों नहीं? नहीं मैं नहीं बताऊंगा। कैसे नहीं बताएगा, उठ, नहीं बताएगा है? ना मैंने चोरी की है और ना ही मैं बताऊंगा। तुम्हारा बेटा चोर है? कभी नहीं, एक शाइन शाह का बेटा चोर हो सकता है, लेकिन ये गरीब इकबाल खान का बेटा कभी चोर नहीं हो सकता। बाबूजी अगर मन की आंखें हैं तो उसे अपनी आत्मा में झांक कर देखिए, क्या यह मासूम गरीब आपको चोर नजर आता है? अगर तुम्हें अपने बेटे पर इतना ही विश्वास है तो पूछो उससे कहां से रहा ये हार। ठीक है पूछता हूँ, बता बता तेरे को ये हार किसने दिया, इन सबको बता दे। हम जेब से गरीब जरूर है लेकिन दिल की तिजोरी में ईमान की दौलत रखते हैं, पता बेटा? हाँ बेटा सब खुल के बता, बता बेटा। देख बेटा जब जबान की जमीन पर अल्फाज की कदम डगमगाते हैं तो शक की बुनियाद और मजबूत हो जाती है बेटा, पता दे बेटा। बाबा बता ना बाबा, वो अरे खुल के बता तो सही। बाबा मैं नहीं बता सकता, बाबा मैं नहीं बता सकता। तू मुझे नहीं बता सकता, बता बता बता। मैंने तुझे मार डाला बाबा, मैंने तुझे मार डाला।
ये क्या कर रहे? क्या दुख है तुम्हें? मुझे मर जाने दो। एक बाबा था, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। मेरा दुनिया में कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है बेटा। चल बच्चा नाच के दिखा। ये 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 राखी बदमाश। राखी दादा नहीं। राखी दादा ये मेरे बच्चों की फीस के पैसे हैं। राखी दादा आज तो धंधा ही नहीं हुआ। राखी भाई अभी तो इस बेचारे की खुराक के पैसे भी नहीं पूरे हुए। आज के बाद इसके खाने पीने की नौबत ही नहीं आएगी। ला इसे। नहीं राखी इतना मत करो। अबे ओए, आज तक वो हाथ नहीं बने जो मेरे राजू के बाल को भी बांका कर सके। क्यों राजू? कौन हो तुम बच्चे? तेरा बाप। मैं गरीब का दिल का हूँ अमीर। लड़का मैं गरीब का दिल का हूँ अमीर। खून से अपने लिखता हूँ मैं दुनिया की तकदीर। इसीलिए तो कहते हैं सब मुझको शूरवीर। लड़का मैं गरीब का दिल का हूँ अमीर। खून से अपने लिखता हूँ मैं दुनिया की तकदीर। वो दिल ही क्या जिसमें कोई तूफान ही नहीं। वो दिल ही क्या जिसमें कोई तूफान ही नहीं। गैरत जो अपनी बेच दे इंसान ही नहीं। फिरता हूँ अपने सर से मैं बांधे हुए कफन। तोड़ देता हूँ निगाहों से मैं लोहे की जंजीर। इसीलिए तो कहते सब मुझको शूरवीर। लड़का मैं गरीब का दिल का हूँ अमीर। खून से अपने लिखता हूँ मैं दुनिया की तकदीर।
दुनिया में मत किसी की भी होली चुरा के जी, कुछ काम कर दीवाने पसीना बहा के जी, कुछ काम कर दीवाने पसीना बहा के जी, सीख ले मुझसे दुनिया में तू जीने की अदा, राजाओं की शान है लेकिन लगता हूँ फकीर, इसीलिए तो कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं सब मुझको शूरवीर, लड़का मैं गरीब का दिल का हूँ अमीर, खून से अपने लिखता हूँ मैं दुनिया की तकदीर। लिखा है क्या नसीब में किसको है ये पता, किस्मत पे अपनी जिसने भरोसा किया मरा, किस्मत बनाने वाले ने ये भी तो है कहा, दो रोटी के वास्ते धरती का सीना चीर, इसीलिए तो कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं सब मुझको शूरवीर, लड़का मैं गरीब का दिल का हूँ अमीर, खून से अपने लिखता हूँ मैं दुनिया की तकदीर, लड़का मैं गरीब का दिल का हूँ अमीर, खून से अपने लिखता हूँ मैं दुनिया की तकदीर। गाड़ी में चंदा को बिठाओ, चंदा को जो तुम्हारी पूजा करती है तन मन से। अरे अरे तन मन को मारो गोली, मीना धन की बात करो, धन की 1987, आजकल महंगाई बढ़ गई है, धन की बात करो, धन की 1,00,000 की गाड़ी तो मेरे बाप ने लेके दी है, only for you मीना, because I love you and my father loves me। भगवान करे तेरी इस गाड़ी में तेरा और तेरे बाप का एक्सीडेंट हो जाए। मीना सॉरी यार, मैंने दिल से थोड़ी बोला है। अबे ओ ड्राइवर, ओ ड्राइवर, अबे ओ घास लेके ढक्कन, अबे कौवे के अंडे के ऑमलेट गाड़ी दो। अरे रहने दो, ये तीर चलाना तुम लोगों का काम नहीं है। अबे ओ कबाब में हड्डी, मेरे मुकाबले में बदसूरत लड़के, तू क्या समझता है तू तीर चलाकर निशाना लगा सकता है? किसी के पास चश्मा होगा? शुक्रिया, अगर आप इजाजत दें तो इस चश्मे को आपके चेहरे पर चिपका कर उसमें हम देखकर निशाना लगाएंगे। इजाजत है? मेम साहब, शहरी लोग सिर्फ जबानी तीर चला सकते हैं, असली तीर कमान चलाना तो हम बंजारों का काम है। जाहिर बात है, बंजारों का काम ही तीर चलाना, चाकू चलाना, चोरी करना, डाके डालना है। दरबदर भटकने वाले बंजारों के पास ना घर होता है, ना तमीज होती है, ना तालीम होती है, ना इज्जत होती है। मैम साहब ये सच है, हम बंजारों के पास ना घर होता है, ना तालीम होती है, लेकिन इज्जत और तमीज इतनी होती है कि आप जैसे बदतमीजों को जिंदगी भर इज्जत की भीख दे सकते हैं। यू? हम लोगों को औरत की इज्जत करना सिखाया जाता है, इसलिए माफ करता हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई मर्द होता तो आज ये हाथ कंधे से टूट कर अलग हो गया होता। हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ा। अबे लफंगे, अबे लफंगे, तेरी इतनी मजाल कि तूने मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा। हैंड ऑफ, हैंड ऑफ, हेल्प मी, समबडी हेल्प मी। आ
ये खंजर आपके सीने में भी घुस सकता था, लेकिन हमने जानबूझकर नहीं मारा, तमीज सिखाने के लिए, ताकि आइंदा आप किसी गरीब किसी बंजारे से बदतमीजी से पेश ना आए, वरना ये आपके सीने में सुरंग बनाकर निकल जाएगा। हाँ, जाते जाते मैं आपके इस खिलौने के साथ दिल लगी करना चाहता हूं। इसमें से सब गोलियां निकाल ली, पकड़। एक गोली किस खाने में है मैं नहीं जानता, पहले मैं इसे अपनी कनपट्टी पे रख के चलाऊंगा, अगर मैं बच गया तो फिर इसकी कनपट्टी पे चलाऊंगा। अरे भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह क्या खूब। दोस्त जरा इधर आना, या प्लीज जरा यहाँ खड़े, जरा तुम्हारे फोटो लेना मीना के साथ। व्हाट, मेरी फोटोज दो टके के बंजारे के साथ? नेवर, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। साहब साहब, बाबा बहुत गुस्से में है, मैं बहुत दूध पीने को बोलता है मगर पीता है नहीं। थू 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 थू। हे भगवान, डेढ़ मन का बेटा दे दिया तूने, उसको पाव तोले की अकल नहीं दे सकता था, और तू क्या पेंडोला मिला रही, बंद कर इसको। चलो मैं अपना दूध पिलाता हूँ उसको, नहीं नहीं मतलब गिलास का दूध पिलाता हूँ, चल। ये क्या चीज़ है? अच्छा कसरत कर रहा बेटा, नेटवर बेटा, नेटवर बेटा, नेटवर। ये क्या है? अच्छा पाँ, मुँह इधर है। सुन बेटा, दूध पी ले। नहीं, हम दूध नहीं पिएंगे, हम बात भी नहीं करेंगे, हम खाना भी नहीं खाएंगे। खाना नहीं खाएंगे तो जूता खाएंगे, तेरे मुंह में पाँव डाल के ऐसे मसल दूंगा जैसे लोग सिगरेट मसलते हैं। हमारा मुंह की एस्ट है जिसके अंदर आप सिगरेट मसलेंगे। अबे तेरी माँ का कथा मारूं? नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। आपने फिर हमें माँ की गाली दी, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि माँ तुम मर गई, लेकिन ये मुझे माँ की गाली देता है। अबे खा बे। अरे मेरे बेटा मान जा, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, खा रे। अबे कहा की, अभी तो करूंगा, लेकिन तुम मुझे चांस दिखा देते हो। तू चाहता क्या? तू जो कहता है वो मानता हूँ, जो मांगता है वो लाके देता हूँ। कहाँ मानते हो, कहाँ लाके देते हो? कल हमने तुमसे कहा कि तुम हमें अपनी बंदूक दो, हम तुम्हें गोली मारेंगे, तुमने दी बंदूक। अबे कैसे क्या वाला? अरे बेटा तू अपने बाप को गोली मारेगा, अगर ये मर जाएगा तो तू यतीम हो जाएगा, और बाप का माल खाना का लोगों के जूते खाएगा, अच्छा लगेगा? तूने गाड़ी मांगी, मैंने लाके दी कि नहीं? मगर उसका क्या फायदा, वो तो मेरी गाड़ी में बैठती नहीं। अरे बैठेगी। बस 5 मिनट में अपनी टोली के साथ आता ही होगा, इसमें गिरेगा तो सारी अकड़ निकल जाएगी। मैं तो कहती हूँ मीना, जाने दे बेचारे को, बहुत गरीब लड़का है, अगर मजाक ही मजाक में ज्यादा चोट लग गई तो बेचारा पेट भरने के लिए 2 रोटी भी नहीं कमा सकेगा। यही तो मैं चाहती हूँ, जब तक अपनी बेइज्जती का बदला ना ले लूं मुझे चैन नहीं पड़ेगा। वो जब भी यहाँ से रात को गुजरता है मुझे वो वक्त याद आता है, याद नहीं कितनी बेदर्दी से मेरा हाथ पकड़ा था उसने। अरे बाप रे, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो।
माफ कीजिएगा, मैं आप दोनों की फोटो लेना चाहता हूँ। नहीं नहीं, फोटो नहीं लेना। हम जैसे दो टके के बंजारों के साथ इन अमीरजादियों को फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगेगा। फोटो नहीं लेना। ये शायद आपका है, बहुत कीमती है, इसे संभाल के रखिएगा। हमको न भुलाना।
आती है ये पहचानी सी आवाज कहाँ से हो आती है ये पहचानी सी आवाज कहाँ से कहानी तो है अपनी मगर किसकी जुबां से आ जाके जरा देखूं बाहों में तुझे ले लूं अपना है या के बेगाना हमको न भुलाना कभी हमको न भुलाना हमको न भुलाना कभी हमको न भुलाना आवाज हमारी मेरी जिंदगी मेरे भगवान मेरे सब कुछ नहीं मीना तुम्हारा वीरू एक खाना बदोश है जिसका न घर है न ठिकाना इन घोंसले के उस पंछी की तरह है जिसकी सुबह एक शाक पर गुजरती है तो शाम किसी और पर और तुम दौलत की उस सुनहरी दुनिया में पली हो जहां हम जैसों का जाना तो एक तरफ आंख उठाकर देखने की भी इजाजत नहीं है नहीं वीरू नहीं प्यार के सैलाब को दौलत की दीवार कभी नहीं रोक सकती अगर दौलत की चमक चिराग है तो प्यार जगमगा तो हो सूरज अगर अमीरी इंसान है तो प्यार उसके सामने भगवान है इस बात का एहसास मुझे आज हुआ है लेकिन तुम रो क्यों रही हो दौलत की जो धूल इन आंखों पर जम गई थी उसे इन आंसुओं से धोने की कोशिश कर रही हूँ जिसके कारण मैं आज तक अपने प्यार को न पहचान सकी अब तुम मुझे कभी दूर मत जाना नहीं मीनू कभी नहीं और फिर जा भी कैसे सकता हूँ बचपन से दिल के बुतखाने में तेरी यादों की तस्वीर सजाए घूम रहा हूँ लेकिन जा मैं एक बात से तुम पे बहुत नाराज हूँ किस बात पर तू जानती हो इसे बहुत अच्छी तरह मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता तो फिर वापस क्यों कर दिया तुमने इसे तुमने तो मेरी कसम खा के मुझसे वादा किया था कि इसे हमेशा अपने सीने से लगा के रखोगे क्यों वापस कर दिया तुमने अरे किसने वापस किया लोगों ने मुझसे छीन लिया बहुत कीमती था ना मुझ गरीब के हाथों में आकर इसकी कीमत और भी बढ़ गई मेरे हाथों में इसे देखकर लोगों ने मुझे चोर समझा चोर बहुत मारा मुझे लोगों ने ये देख तुमने मुझसे वचन लिया था ना इस लॉकेट के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊं उस वचन को निभाने के लिए मैंने अपनी जुबान बंद रखी और मेरे बाबा जो मेरी माँ मेरे बाप मेरे बुजुर्ग मेरे सब कुछ थे लोगों से बचाने के लिए मुझसे बार बार पूछते रहे लेकिन मैं चुप रहा मेरे बाबा बहुत बीमार थे मेरी खामोशी ने उनके दिल की धड़कन को हमेशा के लिए खामोश कर दिया मीना मैंने अपने प्यार पर अपने बाबा तक को कुर्बान कर दिया मुझे माफ कर दो वीरू मुझे माफ कर दो अब इसे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता बाबा के आशीर्वाद ने हमें परसों बाद मिला दिया है मुझे माफ कर दो वीरू मुझे माफ कर दो आइए आइए उस्ताद ये तुमसे मिलना चाहते हैं हेलो कौन है ये मच्छर मच्छर मुझे हुजूर मच्छर दानिया साथ लेकर आया उस्ताद जी जयराम जी की आपके मतलब की चीजें लेकर आया हूँ देखिए तो सही ये है 2000 रुपए काम क्या है एक लड़की को उठाना है उसे बाहिफाजत मेरी बताई हुई जगह पर पहुंचाना है लेकिन उसे हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है तो लड़की को कैसे उठाना है वापस आओ उठाते वक्त हाथ लगाना है फिर मैं वहां आऊंगा अपना विराट रूप दिखाऊंगा और लड़की को तुम्हारे पंजे से छुड़ाऊंगा एक बात याद रखना तुम दोनों को मैंने पीटना है और उस लड़की का दिल जीतना है आप दोनों को मुझसे मार खानी होगी और जो भी आपस में बात तय हुई वो निभानी होगी
अब क्या है? देखिए पहलवान जी, जब तक मैं उस लड़की को आपके पंजे से छुड़वा न लूं, तब तक आप ना तो शराब पिएंगे और ना ये चरस का सिगरेट, वरना लड़की का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है। साहब साहब, तुम्हारे छोटे साहब ने तुम्हारे को सलाम भेजा है। कौन छोटा साहब? वो साहब है, वो अपना छोटा साहब। मतलब मेरे बेटे ने सलाम भेजा है? उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं? खुद तो लानत भेजने के लायक नहीं है, सलाम कैसे भेज दिया? देखूं क्या चक्कर है। गुड मॉर्निंग डैड। अरे वाह, गुड मॉर्निंग। और तू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हमारी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आज हम आपकी तबीयत खराब कर देंगे। क्या मतलब? आप पहले बैठिए, तशरीफ तो रखिए। उल्लू का पट्टा मेरे घर में मुझको बैठाने वाला तू कौन बे? आपका बेटा। आप पहले तशरीफ तो रखिए, आज हम आपको ऐसी खबर सुनाएंगे कि आपकी नानी मर जाएगी। तेरी सो मेरा मतलब आप उछल पड़ेंगे। बैठिए। क्या? लीजिए। ये क्या? दूध। आज से आप दूध पिएंगे। ऐसे खा जाने वाली आंखों से मत देखिए, मुझे आपकी आंखों में दांत नजर आ रहे हैं। आज से आपको दूध की बहुत जरूरत है। मुझे क्यों? क्योंकि आज से मैं जवान हो चुका हूं। आज से? तो फिर कल क्या था? कल मैं बुड्ढा था। मैं उल्टे माँ बाप की उल्टी औलाद हूँ। लोगों की औलाद बच्ची पैदा होती है, फिर जवान होती है, फिर बुड्ढी होती है, लेकिन मैं रिवर्स गियर में चल रहा हूँ। मैं कल बुड्ढा था, आज जवान हूँ, कल बच्चा होकर गायब हो जाऊंगा। अबे होश में चला रखिए। बिल्कुल होश में हूँ, होश में हूँ। आप उस लड़की को मेरी गाड़ी में बिठा नहीं सके, लेकिन अब आप मेरा चमत्कार देखिए। वो लड़की मेरे प्यार की चिकनाहट में फिसल कर सीधा मेरी गाड़ी में आकर बैठेगी। बस आप यहाँ पर एक हाथ में अपने दूध का गिलास पकड़कर, दूसरे से अपना दिल पकड़कर और अपनी निगाहें दरवाजे पर जकड़ कर बैठिए, और मैं अपना चमत्कार दिखाकर अब भी हाजिर हुआ। पागल तो ये पहले से था, ऊपर से लगता किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है, डबल पागल हो गया है। ये डिजाइन मेरे घर में पटकना था क्या? जीवन, ठहरो ठहरो, कुत्तो, कमीनो, क्या कर रहे हो तुम? कमीनो, राम दादो, एक कमजोर लड़की को बकरी की तरह पेड़ से बांधकर उसकी इज्जत पे हाथ डालते हो? मैं मीना, मुझ मर्द क्या होते हुए कोई तुम्हें छू नहीं सकता, और जब ये शेर कर ले प्रवेश तो चूहा टिक नहीं सकता। अब ये शेरों का शेर, जीवन शेर, तुम पे हमला करने आ रहा है, सावधान। गिरना। कुत्तो, कमीनो, बेईमानो, साला साइनिंग अमाउंट लेने के बाद कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ काम करते हो। मारना मुझे, तुम्हें नहीं, समझे? और मेरे एक एक घूंसे पर तुम दोनों को उछल उछल कर दस दस गज दूर गिरना है, क्या समझे? अब मैं मारता हूँ, रेडी? मैं मारने लगा हूँ, मारने लगा हूँ, रेडी? रुको 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 भाई, रुको 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 यार। कहीं तुम दोनों ने वो शराब की बोतल और वो चरस की सिगरेट तूने पी ली? हाँ पी लिया। कल्ला, तो उस फूल के साथ लग जा, मैं इस फूल के साथ लग जाता हूँ। फूल? कौन सा फूल? अरे यू ब्लडी फूल, आओ ना मेरी बिलबुल। बिलबुल? बुलबुल, आज तो हो गया मेरा सत्यानाश। अबे साले, हीरो को बुलबुल बोलता है। रुक जा, रुक जा, रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। अरे हाय, मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। लड़की मुझे बचाओ, छोड़ दो मुझे, बचाओ, बचाओ, बचाओ। ये तुम्हारी मीना की आवाज है? बाबूजी, बाबूजी।
कौन है ये? कौन है ये शैतान? बाबूजी, ये शरारत जीवन की है जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। कहाँ है वो जीवन? उस साले का जीवन खत्म कर दूंगा मैं। वो रहा सामने। अरे भागो यार, मीना के प्यार ने तो मुझे नंगा कर दिया, ठीक है नहीं छोड़ा। ये फकीर को किसने घुसे दिया? बाहर निकालो। हट। मैं फकीर नहीं, आपका बेटा हूँ। बेटा? अरे हाँ, ये तो वही है, ठूल लाना। दुश्मन ने मुझे मार मार कर मेरी हड्डियों का सुरमा बना दिया। अबे मगर तू तो चमत्कार दिखाने का, ये क्या है? सब बेकार हो गया डैडी। उन्होंने मुझे इतने भटके मारे कि मेरी आंखों के सामने अंधकार ही है। वो चलेगा, मगर तेरे कपड़े कहाँ गए? अच्छा, मैं मार खा के आया हूँ, इसका आपको कोई दुख नहीं। मेरे कपड़े गायब हो गए, इसका आपको बहुत दुख हो रहा है। शुक्र कीजिए मेरी चिट्ठी बच गई, वरना क्या डैडी, मुझे उनकी आंखों में वासना का शैतान। काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो खुदकुशी कर लेती। पर आप तो मेरे डैडी हैं, आप क्यों नहीं कर लेते? अबे चुप, तू तो चमत्कार दिखाने गया था ना, नाकाम आया। अब देख मैं कैसे चमत्कार दिखाता हूँ। Oh,
मेरी टाई छोड़, अपनी पैंट संभाल, लगता धोती में शर्ट घुसा हुआ है। डैडी पता आपको क्या हुआ, आज धोबी मेरे कपड़े धोकर नहीं लाया, आपकी पैंट बनकर चला आया। मेरी पैंट? अबे मेरी पैंट बनकर आया? देखा डैडी मेरे दिमाग को, इसे कहते हैं अकलमंद इंसान। अब आप अपनी अकलमंदी का सबूत अंदर जाकर। अबे चुप, वरना मार मार के तेरा मुंह तरबूज की तरह सुझा दूंगा। हाँ मत देना डैडी, वरना इधर ही पैंट उतार के नाचना शुरू कर दूंगा। छोड़िए मेरे कोट को, छोड़िए। तो आप भी चुप डैडी। डैडी यार कुछ भी करके मेरी शादी पक्की करा दीजिए इस घर में, वरना मैं फांसी में लटक के आपकी जान दे दूंगा। क्या? मैं आपकी जान नहीं हूँ। अरे भगवान के वास्ते, इस मुंह में जो पागल कुत्ते की जुबान लगी उसको कभी रोक भी तो लिया कर। डैडी ये पागल कुत्ते की जुबान नहीं है, ये समझदार कुत्ते की जुबान है। डैडी आप मुझे इतना घूरिए मत, आप घूरते हो तो मेरी पैंट ढीली हो जाती है, और वैसे भी आज मेरी पैंट कितनी ढीली है आपकी, है ना। चल चल चल, क्या मुसीबत है यार, ये कहां मरा जा रहा है? डैडी यही है वो लड़की। वाह देखिए कितनी खूबसूरत है। हाँ खूबसूरत है, मगर तू सीधा खड़ा रहे वरना कोई बाहर निकाल देगा। बैठ। ये क्या कर रहा है? बैठ रहा हूं। अरे सीधे बैठना क्या करता है? पौधा अच्छा है। फरमाइए। नमस्ते डॉक्टर साहब। आपकी तारीफ जी? मुझे सेठ नटवरलाल शराफत चंद कहते हैं, और ये मेरा बेटा है। इसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। जानते हैं कैसे? लोगों से इसकी बहुत तारीफ सुनी है, और इसके कारनामे भी मैंने देख लिए। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूं। आपके इस महान पुण्यवान सपूत ने एक बार एक लड़की को अगवा करने का कारनामा अंजाम दिया था, और इत्तेफाकन वो लड़की मेरी बेटी है। ये क्या करे? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मिस्टर नटवरलाल शराफत चंद। दरअसल डॉक्टर साहब, मेरे बेटे ने आपकी बेटी को किसी बुरी नियत से अगवा नहीं किया था। ये आपकी बेटी को बेहद चाहता और उसी चाहत में पागलपन कर बैठा। इसे अपनी दामादी में ले लीजिए, ये बड़ा वफादार दामाद निकलेगा, वफादार दामाद निकलेगा। आपकी बेटी सारी जिंदगी ऐश करेगी, सर से पैरों तक हीरे जवाहरात में लदी रहेगी। लोग देखेंगे तो समझेंगे किसी जौहरी की दुकान का शोकेस जा रहा है। डॉक्टर साहब हाँ कह दीजिए ना, आपकी बेटी सारी जिंदगी सोने के प्लेटों में खाना खाएगी, चांदी के ग्लास में चाय पिएगी, पीतल के ग्लास में पानी पिएगी, और लोहे के ग्लास में लस्सी पिएगी, और तू चमड़े के ग्लास में जूता खाएगा। ग्लास इसी का होता है डैडी। इतने घटिया किस्म के लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। और मिस्टर नटवरलाल, दौलत की धौंस किसे दिखा रहे हैं आप?
मुझे जो अपनी बेटी की एक खुशी के लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर सकता है? अरे भगवान का दिया बहुत है हमारे पास। इस कसम के नमूने से शादी करने के बजाय मैं अपनी बेटी को सारी जिंदगी कुंवारी रखना पसंद करूंगा। तुम्हारी बेटी? लगता है दूसरों का इलाज करते करते तुम्हारा अपना दिमाग खराब हो गया डॉक्टर। जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है, तुम्हारी एक ही औलाद थी तुम्हारा बेटा, जिसे बरसों पहले किसी ने अगवा कर लिया था और उसी के गम में तुम्हारी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई थी। जब पत्नी मर गई तो बेटी कहां से आई? हाँ, अगर दूसरी शादी कर लेते तो हो जाती, मगर तुमने तो की नहीं। ये कहीं रखेल की बेटी तो नहीं? खामोश! अगर तुमने मेरी बेटी को बदनाम करने की कोशिश की। अरे भाई, बदनाम तो उसे किया जाता है जिसका कोई नाम होता है। ये बेचारी तो खुद गुमनाम है, गुमनाम को क्या बदनाम करेगा? अरे आप शट अप हो या गेट अप हो, मगर मीना तुम्हारी बेटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, मीना मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मैं उसे अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करता हूँ। और ऐसी एक बेटी पर मैं अपने 10 बेटे कुर्बान कर सकता हूँ। अगर तुमने मेरी बेटी को बदनाम करने की कोशिश की मिस्टर नटवरलाल, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गैर बात है, तुमसे ज्यादा कोई क्या बुरा हो सकता है जो दूसरे के माल पर अपना लेवल लगाकर उसको प्यार के गोदाम में रखा हुआ हो। वैसे ये है किसकी बेटी? इसके मामा भी नहीं? नाउ शट अप एंड गेट आउट। चिल्ला मत डॉक्टर, मैं तुम्हें शरीफ और इज्जतदार आदमी समझकर अपने बेटे के लिए तुम्हारी मीना का हाथ मांगने आया था, मगर अब मैं खुद इससे इनकार करता हूँ। मुझे ऐसा फूल नहीं चाहिए जिसके न पीस का पता है, न मिट्टी का पता है, न माली का पता है। मैं खुद इनकार करता हूँ इस तरीके से। लेकिन डैडी। खामोश, ऐसी लड़की को मैं अपने घर में नहीं घुसने दूंगा। बहू बनाना तो दूर की बात है। निकल जाओ यहां से, वरना मैं गोली मार दूंगा। अगर तुम डॉक्टर हो, लोगों को बुखार की गोली दे सकते हो, बंदूक की गोली नहीं मार सकते। वो मारना हमारा काम है। और अगर गोली मारने का इतनी शौक है और साथ में हिम्मत भी है, तो उस आवारा और कमीने लड़के को मार कराओ जिसके साथ ये तुम्हारी खामखा की बेटी मीना जो है ना अक्सर घूमती है, रंगरलियां मनाती है। गेट आउट। एक बात और सुनो, वैसे दोनों की जोड़ी बुरी नहीं रहेगी। दोनों बिना माँ बाप के हैं, दोनों यतीम हैं, दोनों लावारिस हैं, और खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे लावारिस दो। चलो बेटा। सारी बातें सुन चुकी हूँ बाबूजी। आप कब तक हम लोगों के लिए दुनिया भर के ताने सुनते रहेंगे? कब तक आप लोगों की गालियां सुनेंगे? आखिर कब तक? हम उस काबिल नहीं है बाबूजी जिस काबिल आप हमें समझ रहे हैं। हम तो वो कंकर हैं जिसे आपने हीरा समझकर इस महल में रख लिया है। नंदा। हाँ बाबूजी, हम जैसे बदनाम लोगों का इस घर में रहना ठीक नहीं है। हमें यहीं से चले जाना ही अच्छा है। नहीं नंदा, नहीं। तुम्हें कसम है उसकी जिसे तुम जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करती हो, दोबारा कभी घर से चले जाने की बात मत करना। बाबूजी, आपने इतनी बड़ी कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया है। लेकिन लेकिन बाबूजी, आपकी इज्जत की खातिर मेरी बेटी आज से इस घर के बाहर कदम नहीं रखेगी। नंदा, ये सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं, मेरी बेटी भी है। अब तुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि रात के अंधेरे में शरीफों के घर में चोरों की तरह घुसने लगाए? हाय! बाबूजी, मैं चोर नहीं हूं बाबूजी, मैं तो यहां। बकवास करता है कमीने! बाबूजी, पहले मेरी बात तो सुनिए बाबूजी। तेरी बात सुनो। चलिए बाबूजी, ये क्या कर रहे हो?
मैं इस दो कौड़ी के आदमी को उसकी औकात याद दिला रहा हूँ। मैं इसे ठोकरे मार मार के ये याद दिला रहा हूँ कि ये हमारी ठोकरों में रहने के काबिल है, हमारे गले तक पहुँचने की कोशिश ना करे। लेकिन बाबूजी, तू कब से मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है? आज इस बात का फैसला होके रहेगा, या तो तू मेरी बेटी का पीछा छोड़ेगा या तो इस दुनिया को छोड़ेगा। मम्मी, मम्मी रोको ना बाबूजी को। मैं चोर नहीं हूं बाबूजी। बाबूजी नहीं, बाबूजी छोड़ो मेरा मुझे। न जाने किसका गंदा और नापाक खून तेरी रगों में है जिसने मेरे बच्चे के चेहरे को नापाक कर। बाबूजी, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, जिस माँ ने तुझे दूध दिया, जिस बाप की औलाद है तू, जिस बाप का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है, अगर उनके खून या दूध की तेरी नजरों में कोई भी कीमत है तो तू आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखेगा। मत छुओ मुझे, वहां खामोश बेजान बनकर जुल्म का तमाशा देखती रही और जुबान से एक लफ्ज भी ना बोल सकी कि बाबूजी हाथ रोक लीजिए, मत मारिए उस गरीब को, वो बेगुनाह है, बेकसूर है। तुमको बाबूजी के एहसानों का बहुत ख्याल है ना, और वीरू के एहसानों का कोई ख्याल नहीं। उसने तुम्हारी बेटी की जान बचाई, अगर आज वो ना होता तो मैं बरसों पहले मर गई होती। चोर चोर पुकारने वाला क्या चुरा है उसने तुम्हारा? मेरा वो लॉकेट, वो मैंने उसे दिया था। हाँ, मैंने उसे दिया था अपने प्यार की निशानी के तौर पे, और उसे कसम ली थी कि कभी किसी को नहीं बताएगा, और वो आज भी अपनी उस कसम को निभा रहा है। और इकबाल मियां जो उसके पिता समान थे, पूछते पूछते मर गए कि वो लॉकेट किसका था, लेकिन उसने अपनी जबान तक नहीं खोली और मेरे प्यार की लाज रख ली। ऐसे कॉल के पक्के इंसान को आप लोग कमीना जलील बदजात कहते हो? अगर वो बदजात है तो बदजातों की दुनिया में सबसे ऊंची जात है। माँ, आज तुम मेरा एक फैसला सुन लो। सच्चा प्यार जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। वो मेरा पहला प्यार है और वही मेरी जिंदगी है। अगर मेरी शादी वीरू के साथ ना हुई तो किसी के साथ नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, तेरी शादी वही होगी जहाँ बाबूजी की मर्जी होगी, और कहीं नहीं, कभी नहीं। शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी, बाबूजी की मर्जी से नहीं। बेशरम, बेहया, तेरी इतनी जुर्रत कि तू बाबूजी की जिंदगी भर के अरमानों को ठुकरा कर अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने पे उतर आई है। इतनी एहसान फरामोश है तू कि तुझे ये भी याद नहीं कि हम क्या थे, और आज जो कुछ भी है उसी देवता उसी फरिश्ते की मेहरबानियों के कारण है। अगर वो ना होते तो तू किसी फुटपाथ पर या किसी गंदी नाली के करीब भूख से बिलक बिलक कर दम तोड़ गई होती, और तेरी ये माँ किसी पागल भिखारन की तरह भटकते भटकते न जाने कब की मर गई होती। हम बेसहारों को भगवान ने ठुकरा दिया था, मगर इसी ने एक इंसान ने सहारा दिया। ये इज्जत, ये दौलत, ये तालीम जो तुझे नसीब हुई, ये सब इनकी भीख है, इनके एहसान है, और मैं इतनी एहसान फरामोश नहीं कि आज मतलब पूरा हो जाने पर उनकी मर्जी के खिलाफ तेरा हाथ किसी और के हाथ में दे दूं। अगर तूने बाबूजी की मर्जी के खिलाफ एक कदम भी उठाया तो मैं कसम खाती हूं अपने सुहाग की, जिसकी तू निशानी है, कि मैं खुद अपने हाथों से तुझे जहर देकर मार दूंगी। बाबूजी से आंख से आंख मिलाकर बात नहीं की, उनके सामने जबान खोलकर अपने दिल की बात कहने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? मैंने अपनी जिंदगी का फैसला तुम्हें सुना दिया था,
और इस फैसले का मुंह तोड़ जवाब भी तुमने मुझे दे दिया। और मैं ये भी जानती हूँ कि बाबूजी मेरे मन की बात कभी नहीं मानेंगे, इसलिए काफी सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि अपनी इस मंजिल पर अकेले ही चल पड़ूं और ये घर हमेशा के लिए छोड़ दूं। तुम्हारी बेटी मीना। चल बेटी, सोच मत बेटी। शरीफ घरानों की बेटियां जब दहलीज पार करती हैं तो मां बाप का आशीर्वाद लेकर डोली में बैठकर निकलती हैं।
आजा बेटी, तेरी मां पथराई हुई आंखों से तेरा इंतजार कर रही है। तो अपना घर छोड़कर किसके साथ घर बसाने आई, जिसका खुद अपना कोई घर नहीं? अरे चार दिन के मुसाफिर होते हैं, जहां भी तंबू गाड़ते हैं वहीं वक्ती प्यार भी कर लेते हैं, और जब तंबू उखाड़ते हैं तो प्यार की जड़ें भी उखाड़ कर ले जाते हैं। बेटी बेटी, आज फैसला तेरे हाथ में। एक तरफ इस खानाबदोश दर बदर भटकने वाले इंसान का बेभरोसा प्यार, और दूसरी तरफ तेरे बापूजी का, उस बाप का प्यार है जिसकी खुशियां तेरे बल पर जिंदा है। हां बेटी, बेटी तेरी ये खामोशी मुझे एहसास दिला रही है कि अपना खून अपना ही होता है। फिर भी मैं तुझे आखिरी बार इल्तिजा कर रहा हूं, तुझे अपने बापूजी की कसम, मेरे साथ चल बेटी। तुझ पे नजर एक तेरा फैसला, या इधर या उधर, लैला और मजनू की कहानी भी खत्म हो जाएगी जमाने से। हीर रांझा को भी जहां वाले भूल जाएंगे तेरे जाने से। शेर फरहाद की कसम तुझको, मेरी फरियाद की कसम तुझको, प्यार तेरा भी है और मेरा भी है, दो दिलों का ये मासूम इकरार है। बादशाहों ने दुनिया में जिसके लिए ताज टुकरा दिए हैं, ये वो प्यार है। प्यार हमसे हो बाबूजी, आप हारे नहीं, मैं नहीं जीत नहीं सका। बाबूजी, आप तो बड़े हैं, बड़े हारा नहीं करते, छोटों की गलतियां सुधारा करते हैं, उनका कसूर हो तो उन्हें माफ किया करते हैं। हाँ बाबूजी,
मैं हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए आपकी अमानत लौटाने आया हूं। आपने हमें गालियां दी, बुरा भला कहा, ठीक किया आपने। अरे हम है इसी काबिल, अपनी औकात भूल गए थे हम लोग। टूटी हुई झोपड़ी में महल की सुनहरी ईंट लगाने चले थे हम। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई बाबूजी। ये आपके घर की इज्जत है। जिस दिन इस घर से विदा होगी, इज्जत से होगी, आपके हाथों से होगी, इस तरह नहीं। आज के बाद फिर कभी मैं उसके रास्ते में नहीं होगा। हो सके तो मुझे अपना बेटा समझकर माफ कर दीजिएगा। हाँ बाबूजी, माफ कीजिएगा। शर्म बेहया, आज तूने हमारी इज्जत को जिंदा दफन कर दिया। तेरी नजरों में मेरी इज्जत, मेरी ममता की कोई कीमत नहीं, ना सही, लेकिन इस इंसान के लिए भी नहीं जिसने सारी उम्र तुझे अपनी औलाद से बढ़कर पाला पोसा। इनके एहसानों का ये बदला दिया है तूने? खामोश क्यों खड़ी है, जवाब क्यों नहीं देती? मैं कहती हूँ जवाब देने, तुम्हें जान से मार डालूंगी, मारो लोगे तुझे जान से। मैं नहीं जान ले लूंगी। नहीं नंदा, नहीं नहीं नंदा, नहीं। देखो बच्चे, बच्चे गलतियां करते हैं, माँ बाप उन्हें माफ कर देते हैं। अपना ये दुनिया कैसे चलेगी है? और फिर हमारी बेटिया की इसमें तो गलती है ही नहीं है ना? देखो हमने इसे कहा था, अगर माँ बाप की इज्जत प्यारी है तो घर आ जाना। देखो हमारी बेटिया आ गई, आगे देखो। अरे इतनी प्यारी बेटिया पर हाथ उठाते नहीं रोते बेटे, बेटे हो नहीं रोते। अरे सुनो, इस घर में कोई है भी कि नहीं, तो जल्दी से आकर भाग कर आए और मुझे बचाए। अरे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अबे ये क्या कर रहा है? हे भगवान, एक औलाद मिली उसकी भी अकल के पतीले के पिंदे में सुराख है। जो काम करता है पागलों का रिकॉर्ड तोड़ देता है। अबे क्या कर रहा है? वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए था। मीना से मिलने का यही एक आखिरी रास्ता है। अबे क्या बकवास करता है, गले में फांसी का फंदा डाल के फटी हुई लुंगी की तरह लटक रहा है और कहता है ये आखिरी रास्ता है, सिर में कड़े। हाँ जी, मीना से मिलने का यही एक रास्ता है। अब मैं ऊपर जाकर मीना के ऊपर आने तक उसका इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा। हे भगवान, ये कौन से जमाने का पुराना खटारा मॉडल तूने मेरे घर में पैदा कर दिया है? अबे कुछ नहीं कहा, भूतनी के नीचे उतर जा। अरे तू ना बंद करना मेरी माँ। अबे तू रस्सी नीचे फेंक दे। ऐसे कैसे रस्सी नीचे फेंक दूं? डैडी मैं सिर्फ देखने में बेवकूफ हूँ। और असलियत में उससे भी 10 कदम आगे हूँ। वेरी गुड। मैं आपके नाम की चिट्ठी अपनी जेब में लेकर मर रहा हूँ जिसमें लिखा है कि आप मेरी शादी मीना से नहीं करवा सके, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अब मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ आप है, सिर्फ आप है, ताकि मेरे मरने के बाद आपको भी फांसी हो जाए। अबे फांसी होगी तेरे बाप को, मतलब आपको। तू इलाज बंद कर दी कि नहीं? अबे क्यों मेरा दिमाग चाट रहा है, क्यों फंदे पे लटक के रस्सी खराब करा है? नीचे उतर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में लटक जाऊंगा। आप खाली कुर्सी पकड़ के रखिए बस। अबे क्यों आशिकों के नाम पे झाड़ू फेर रहा है? मेरी बात सुन। नहीं। नीचे बैठ। नहीं। अबे बैठ। क्या सुन, हम तो खानदानी आशिक हैं। मेरे बाप ने मेरी माँ से इश्क किया। हाँ, अच्छा। मेरी माँ ने किसी और से इश्क किया। हाँ? उस और ने किसी और से इश्क किया। उस और ने किसी और से इश्क किया। उस और ने किसी और से इश्क किया। किसी और ने मेरे बाप से इश्क किया। मेरे बाप ने उसको छोड़ किसी और से इश्क किया। कोई किसी के हाथ नहीं आया और मैं खामोशी से दुनिया में चला आया। लेकिन फिर मैं इस दुनिया में कैसे आया? बताऊंगा तो घबरा के खुदकुशी कर लेगा। मतलब मैं धूल का फूल हूँ? नहीं, उसे भी गंदा फूल। अच्छा सुन, तो तू पिछले जन्म पेंडुलम थी क्या? सीधे खड़ा रहना। तूने कहा था ना कि एक अकल की अंधी बेवकूफ लड़की तुझ पे मरती, क्या नाम उसका? चंदा। चंदा लाओ मौसी। ला नूरी, ला इधर ला। अरे चार दिन के मुसाफिर होते हैं, जहां भी तंबू गाड़ते हैं वहीं वक्ती प्यार भी कर लेते हैं, और जब तंबू उखाड़ते हैं तो प्यार की जड़ें भी उखाड़ कर ले जाते हैं। बेटी देख लिया मौसी, आधा रह गया है मेरा बच्चा। प्यार के चक्कर में कहीं जिंदगी न खो बैठे, इसी बात का डर है मुझे। वीरू, 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 मीना को बचा लो। क्या हुआ मेरी मीना को? वीरू, उसने तुम्हारे गम में नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली। क्या? हाँ, वो पाम गुरु होटल में कमरा नंबर 203 में बेहोश पड़ी है। मैं डॉक्टर को लेने जा रही हूँ, तुम जल्दी से वहां पहुंचो।
बच्चा कहाँ है? मैं बताती हूँ। ये क्या कर रही हो? कमीने। अरे बच्चा, बच्चा, तुम पागल हो गई क्या? कमीने मेरे को छोड़ दे मुझे। चंदा जल्दी करो, देखो क्या हो गया ये, जल्दी करो। अबे मजा आया, आंखें फाड़ फाड़ के क्या देखता? अबे आंख तो मिला, बदमाशी की कहानी तो बता, क्या उम्र थी? क्यों बे भूतनी के जवाब तो दे, हम पिंजरे में कुत्तों की तरह भूख रहे हैं और तू मदारी के भालू की तरह बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कमीना, अरे मां का दूध पिया तो एक एक को काट के रख दूंगा। चाचा नहीं बेटे, तुम जैसे मुजरिमों का पाप मेरे होते हुए इस जेल के अंदर बदमाशी नहीं करना बेटे, पकड़ लो इसे। माफी चाहता हूं जेल साहब कि मैंने आपके सिपाही पर हाथ उठाया, ये लीजिए, जवानी के उबलते हुए खून को ठंडा करने का यही एक तरीका था। अब मैं आपका गुनहगार हूं, जो सजा देनी दे दीजिए। नहीं शंकर, तुम सजा के नहीं मुबारकबाद के हकदार हो। मुबारकबाद के हकदार, अपने बुजुर्गी की धौंस जमाकर मुझसे हथियार छीन लिया, वरना मैं एक एक का पेट फाड़ कर खून में नहला देता। मेरे ख्याल से ये लड़का बेकसूर है जिला साहब। ये तुम कैसे कह सकते हो? इसकी सूरत से पता चलता है कि इसके रगों में किसी इज्जतदार खानदान का खून है। जिला साहब, जब किसी बेगुनाह के दामन पर गुनाह की मोर लगा दी जाती है तो वो बगावत की आग में जलकर जमाने को जलाने के लिए निकल पड़ता है। ये तो भगवान का शुक्र है कि घर तबाही से बच गया। ऐसा नहीं हो सकता मम्मी, ये जरूर किसी दुश्मन की चाल है। अब तो तुम्हें यकीन हो गया मेरे प्यार का, मैंने ये साबित कर दिया कि मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम बिल्कुल सच बोल रही हो, मेरे जैसे मुर्गे को फांसने के लिए तुम कोई भी कमीनी हरकत कर सकती हो। ये तुम क्या बोल रहे थे? यू चीट, तुम इतने कमीने निकलोगे, ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने तुम्हारे लिए अपनी सबसे प्यारी सहेली को धोखा दिया, कमीने धोखेबाज, मैं तेरी जान ले लूंगी। अरे चल हट बेगैर। अब मैं तेरी इस चाल को कामयाब होने नहीं दूंगी, मेरा एक बयान तेरी पासी पलट के रख देगा। मैं जानता था, इसलिए मैंने उसका बंदोबस्त पहले से ही कर रखा था। जो काम किए बिना वो लड़का अंदर हो गया था, ये लोग वो काम कर भी लेंगे और अंदर भी नहीं होंगे। ये लड़की यहां से जाने ना पाए। अरे शंकर चाचा, ये दीवार पर मेरी बेटी लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका? जब बाप बनोगे तब पता चलेगा इसका मतलब। भगवान ना करे वक्त की जंजीर तुम्हें जकड़ कर मजबूर कर दे
और तकदीर के हाथ तुमसे तुम्हारी औलाद छीन ले, तब शायद तुम भी यही करोगे बेटे। मैं समझा नहीं। ऊपर वाले ने मेरी तकदीर को दुखों के कागज पर आंसुओं की स्याही से लिखा है। मैं इन दीवारों पर मेरी बेटी लिख लिख कर अपने बच्चे को याद करता रहता हूं। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ इस दुनिया में तुम्हारे कौन कौन है? मां बाप में से ही कोई रिश्तेदार तो होगा बेटे। शंकर चाचा, रिश्ता क्यों होता है मैं नहीं जानता, लेकिन हां एक फरिश्ता था जिसने मेरी परवरिश की। मां की ममता और बाप की मोहब्बत की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, लेकिन अब वो भी नहीं रहे। मुझे इस दुनिया की भीड़ में अकेला छोड़कर चले गए। हिम्मत से काम लो बेटा, हिम्मत मर्द का जेवर होता है। उस जेवर को पहनकर इंसान अपनी बिगड़ी हुई तकदीर का तेवर बदल सकता है। अब मुझे देख लो, क्या कुछ नहीं गंवाया मैंने अपनी जिंदगी में। आज अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो तकरीबन तुम्हारी उम्र का होता बेटा। क्या हुआ था उसे? एक जालिम की लापरवाही ने उसे जीने नहीं दिया बेटे, लेकिन मैंने भी उस जालिम को चैन की नींद सोने नहीं दिया। उससे उसकी औलाद को छीन कर मैंने हमेशा के लिए उसे बेचैनी के कांटों में फेंक दिया। उस बच्चे को मैंने जान से नहीं मारा, जिंदा रखा उसे। जानते हो क्यों? ताकि जिंदगी भर वो अपने आप को कोसता रहे, तड़पता रहे, रोता रहे। हां मेरा एक दोस्त है इकबाल खान, उस बच्चे को मैंने इकबाल खान के हवाले कर दिया ताकि वो उसे लूला लंगड़ा अपाहिज बनाए, एक इज्जतदार बाप के बेटे को भिखारी बना दे। आज वो किसी सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा होगा। दो दिन बाद जब मैं इस जेल से छूटकर जाऊंगा तो सबसे पहले अपने दुश्मन के बेटे से मिलूंगा, उसके बाद उसे उसके बाप के सामने खड़ा कर दूंगा और उसके बाप से कहूंगा, ये देख ये है तेरा बेटा, सड़क के किसी कोने पर बैठकर भीख मांगता है तेरा बेटा। जब दोनों बाप बेटे गले मिलकर रोएंगे तड़पेंगे तब मेरे दिल के सांसों को ठंडक पहुंचेगी और मैं बहकाए लगाऊंगा। शंकर चाचा, मैं तुम्हारी यह तमन्ना पूरी कर सकता हूं। क्या मतलब? हां चाचा, देर भी नहीं लगेगी, अभी इसी वक्त तुम्हारी तमन्ना पूरी कर सकता हूं, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी एक तमन्ना पूरी करनी होगी। बोलो बेटे, वो क्या? मैं कौन हूं, मेरे मां बाप कौन है, पहले तुम्हें यह बताना होगा शंकर चाचा। तुम्हारे मां बाप? बेटे हमें क्या मालूम कि तुम्हारा मां बाप कौन है? सब जानते हो तुम, क्योंकि मैं ही वो लड़का हूं जिससे तुमने इकबाल खान के हवाले किया था। तुम मुझे भिखारी बनाना चाहते थे ना, आज मैं भिखारी की तरह अपने मां बाप का पता पूछ रहा हूं। बता दो ना चाचा। चाचा, तुम वो वायद इंसान हो जो मेरे मां बाप की तरफ जाती हुई मंजिल का रास्ता दिखा सकता है। बोलो ना चाचा। इसका मतलब उस हराम खोर इकबाल खान ने मुझसे गद्दारी की है। सही सलामत छोड़ दिया तुझे कमीने कुत्ते,
मेरे साथ गद्दारी किया उस हरामजादे ने। शंकर, खबरदार अगर तूने मेरे बाबा को गाली दी तो सांप का बच्चा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शंकर, पकड़ो इन दोनों को। आइए आइए जेलर साहब, थोड़ा सा पैंतरा सिखा रहा था, बच्चा अभी कच्चा है। हाँ तो बच्चा, दुश्मन पर वार बाएं तरफ से नहीं दाएं तरफ से किया जाता है, इसे पैंतरा नंबर 44 कहते हैं। तो फिर ये खून कैसा? दरअसल मैं इसे रामलीला की रिहर्सल करवा रहा था। रावण को कैसे मारा जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, ये सब सिखाने के लिए तो थोड़ा बहुत खून तो निकलेगा ही। एक तो आपके जेल की कोठरी बहुत छोटी है, ऊपर से बच्चा बहुत कच्चा है, इसलिए मैं समझता हूं जब ये बच्चा जेल से बाहर निकलेगा तब मैं इसे सिखा दूंगा कि असली वार क्या होता है। असली वार सहने का शौक तो मुझे बचपन से ही है, बहुत वार किए हैं लोगों ने मुझ पर, मैंने आज तक रोटी के निवाले इतने नहीं खाए जितने वार खाए हैं। मैं भी जेल से छूटने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा, लेकिन चाचा अपना पता ठिकाना बता के जाना ताकि ढूंढने में तकलीफ ना हो। बरखुरदार, इस तकलीफ की तुम फिक्र मत करना, जिस दिन तुम जेल से छूटकर बाहर निकलोगे तुम्हारे स्वागत के लिए मैं जेल के गेट पर ही मिलूंगा, तब तक के लिए बर्खास्त। बड़े बड़े नगीने पैदा हुए मगर नटवर जैसा नगीना आज तक पैदा नहीं हुआ। जुर्म की काली दुनिया के लोग अपने आदमियों का नाम रखते हैं, मैं अपने आदमियों के नंबर रखता हूँ। साहब, साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमें माफ कर दीजिए साहब। सर, हम बेकसूर हैं साहब, सर हमें माफ कर दीजिए साहब। नंबर 3? यस सर। ये जानवर क्यों चिल्ला रहे हैं? सर, ये अपने ही आदमी है जिनकी बेवकूफी से अपना माल पकड़ा गया। तो इनसे कहो कि अपने अपने पिंजरों में चुपचाप खड़े रहें, इसके बावजूद अगर ये मुंह से आवाज निकाले तो जिसका जितना नंबर हो उसके मुंह में उतनी गोलियां मार देना। जी। नंबर 1? जी। तुम क्या खबर लाए हो? सर, खबर यह है कि शंकर बहुत जल्द जेल से छूटकर बाहर आ रहा है। छूट जाने दो, हर जेल में जाने वाला एक दिन छूट जाता है, इसमें नई बात क्या है? लेकिन सर, मुश्किल यह है कि बाहर आते हो अपनी बीवी और बच्ची के बारे में पूछेगा और उसके बारे में तो हमें भी कुछ पता नहीं। तुमसे किसने कहा कि मैं पता नहीं? सर, आपने कहा था। सर, नंबर 1, मैं जो कहता हूं वो करता नहीं, जो करता हूं वो होता नहीं, जो होता है वो कहता नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि उसकी बीवी बच्चे जिंदा है और मेरी हिफाजत में है। जी। इसलिए मैंने कहा ना नंबर 1 कि मेरी चालों के चक्कर में मत आया करो, मेरी चालें शतरंज की चालों से ज्यादा टेढ़ी होती हैं। जिस मोहरे को चलाता हूं उसको खुद समझ में नहीं आता कि मैं कहां जा रहा हूं। अच्छा ये बताओ, ये शंकर वही है ना जिसने बरसों पहले डॉक्टर मल्होत्रा के बेटे को अगवा किया था? जी जी हाँ, ये वही शंकर है। उसने उस वक्त बदले की आग में जलकर डॉक्टर के बेटे का अगवा किया था, पर आज वो हमारे कहने पर डॉक्टर की बेटी का अगवा करेगा। सर, मैं कुछ समझा नहीं। तुम क्या शतरंज को भी यही रंज है कि वो आज तक मेरी चाल नहीं समझी? मैं वो मीठा जहर हूं जिसे दूध समझकर सांप पी तो जाता है, मैं घर जाते ही मर जाता है। एक काम करो, जेल के दरवाजे पर ही शंकर का स्वागत करो, उससे कहो कि फौरन डॉक्टर की बेटी का अगवा कर ले। सर, अगर उसने लड़की का अगवा करने से इनकार कर दिया तो उसे कह देना कि जिंदगी भर वो अपनी बच्ची और अपनी बीवी का मुंह नहीं देख पाएगा। औलाद वो हथियार है जिसके बल पर एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान से शैतान तक बना देता है। सर, लेकिन आप उस लड़की को उठवाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि बदकिस्मती से मेरी भी एक औलाद है और डॉक्टर की इस बेटी की शादी मैं अपने बेटे से करवाना चाहता हूँ, मगर इस शादी का अंदाज निराला होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम बाहर की दुनिया में जाकर भी इसी तरह शराफत
और इज्जत की ही जिंदगी गुजारोगे। जेलर साहब, बरसों पहले जब मैं यहां आया था तब अपने पीछे एक नन्ही सी बच्ची और जवान बीवी को तकदीर और तन्हाई के सहारे छोड़ आया था। न जाने कैसी कैसी मुसीबतें और तंगियां झेलकर उसने अपने बच्चे को बड़ा किया होगा। आज बच्ची बड़ी हो गई जेलर साहब, और आप तो जानते ही हैं जवान बेटी का बोझ बाप को कितना चुका देता है। आज अगर मैं शराफत की जिंदगी बसर नहीं करूंगा तो अपनी बेटी की जिंदगी में आग लगा दूंगा जेलर साहब। वेलकम नंबर सेवन, आजादी की सांस मुबारक हो। नंबर वन, मेरी बीवी और बच्चे को नहीं लाए, कहां है वो लोग? वो बॉस की निगरानी में सही सलामत हैं। मुझे फौरन वाले चलो, अब इंतजार नहीं होता। मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूं शंकर, लेकिन अपने बीवी बच्चों से मिलने से पहले तुम्हें बॉस का एक छोटा सा काम करना होगा। कैसा काम? एक लड़की को उसके बंगले से उठाना है। वो शंकर जो जुर्म किया करता था उसे मैं जेल की चार दीवारी में दफना कर आया हूं, और ये शंकर जो तेरे सामने खड़ा है वो एक सीधा साधा और शरीफ इंसान है। मगर ये काम करने के लिए तुम्हें पुराना शंकर बनना ही पड़ेगा। वो शंकर मर चुका है नंबर वन, तो उसे जिंदा करो। अगर तुम उसे जिंदा नहीं करोगे तो अपनी बीवी बच्ची से नहीं मिल पाओगे। अगर धमकी दी तो देखते देखते तुझे नंबर वन से नंबर जीरो कर दूंगा मैं, समझे? अगर इधर तुमने मेरा गिरेबान नहीं छोड़ा तो उधर बॉस के आदमियों के हाथ तुम्हारी बीवी और बच्ची की गर्दन तक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी जीरो से भी बदतर हो जाएगी। यह है वो लड़की, पता पीछे लिखा है, इसे हमारे खंडाला वाले पुराने अड्डे गंगा झरन पर ले आना। तुम्हारी बीवी और बच्ची तुम्हें वहीं सौंप दी जाएंगी। साहब, अरे कौन है आप? किसने आपकी हालत की? बोलिए। वो बेकसूर है। कौन बेकसूर है? वीरू। वीरू? वो जिप्सी लड़का, उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। जिप्सी प्रूव्स इनोसेंट, इसका मतलब वीरू बेगुनाह है। मम्मी, बाबूजी, 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 ये देखिए पेपर में क्या लिखा है, वीरू बेगुनाह है, ये किसी दुश्मन की चाल थी, चंदा ने खुद पुलिस स्टेशन में बयान दिया है। कौन है आप? माफ करना बेटी, मैं अपने हालात से मजबूर हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। डॉक्टर मल्होत्रा। डॉक्टर मल्होत्रा, मैं आपका शुभ चिंतक नटवर लाल हाजिर खिदमत हूं। तुम कमीने। गाली नहीं, जबान की लगाम को अकल के हाथों से छूटने मत देना डॉक्टर। दरअसल क्या है, मैं बड़ी नर्म और वफा की मिट्टी का बना हुआ पुतला हूं। किसी का दुख देखता हूं तो मेरा दिल कच्चे शीशे की तरह तड़क जाता है। मतलब की बात करो। मतलब की ही दुनिया है तो मतलब की बात यह है बंदा परवर, कि तुम पर एक बड़ा ही भयानक और मलहूस वक्त आया हुआ है, जिसे आगाह करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। साहब साहब, बताओ बात क्या है? वही अर्ज कर रहा हूँ, मगर आप पहले अपने दिल को जरा कस के हाथों से थाम लीजिए, कहीं सीना तोड़ के उछल कर बाहर ना आ जाए। बरसों पहले जिसने तुम्हारे बेटे को अगवा किया था, आज उसी शैतान ने हम दोनों का घर लूट लिया है। कहना क्या चाहते हो? कैसे डॉक्टर हो यार, आवाज की कपकपाहट से दिल की घबराहट का पता नहीं चला सकते? अभी अभी इत्तला मिली है
कि हमारे उस दुश्मन ने मेरी होने वाली बहू जी ने तुम्हारी बेटी का अगवा कर लिया है। नहीं, ये झूठ है। हाँ, ये सच है। और ये भी पता चला कि वो उसे खंडाला ले गया एक बंगले में जिसका नाम है गंगा झरन। क्या बात है? जो कमीना मेरे बच्चे को उठाकर ले गया था वही हमारी बेटी मीना पिटिया को उठाकर ले गया है। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची को अगर कुछ हो गया तो? नंदा, तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता। मीना, 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 काका मैं बेगुनाह हूं, बेकसूर हूं, मुझे फंसाया गया था। मीना कहां है? बाबूजी का बचपन की तस्वीर यहां? काका ये किसकी तस्वीर है? ये छोटे मालिक की। छोटे मालिक की? लेकिन ये तो मेरे बचपन की तस्वीर है, ये देखिए मेरे पर्स में है। छोटे मालिक, छोटे मालिक, इसका मतलब है बाबूजी मेरे? छोटे मालिक, बातों का वक्त नहीं है, देर मत करो, मीना बिटिया को बचा लो, बाबूजी को बचा लो। क्या हुआ उन्हें? जिस शैतान ने बचपन में आपको बाबूजी से अलग कर दिया था वही जालिम अभी अभी मीना बिटिया को उठाकर ले गया है। उसके पीछे बाबूजी और नंदा दोनों गए हैं। राजू, राजू, चेतक, बाबा, वह हरामजादा वीर शंकर का पीछा कर रहा है और थोड़ी देर में वहीं पहुंच जाएगा जहां शंकर लड़के को लेकर पहुंच रहा है। ऐसे कैसे पहुंच जाएगा? हमारे अड्डे तक पहुंचने के लिए मौत को भी इजाजत लेनी पड़ती है, तो ये गीली मिट्टी का शेर ये कैसे पहुंच जाएगा? तुम एक काम करो, अपने आदमी को बंदूकें देकर एक एक फरलांग के फासले पे खड़े कर दो, और जब वो कायर, क्या नाम है उसका, वीर, हाँ काय का वीर, वो जब वहां से गुजरे तो उसके इतने छीतड़े उड़ा दो कि जन्म के बाद जिस जन्म में पैदा हो तो छीतड़ों की शक्ल में पैदा हो। कौन सी शक्ल में पैदा हो? छीतड़ों की। वफादारी और मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, इससे पहले कि गोलियां खा खा कर जिंदगी का दामन मेरे हाथ से छूट जाए, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, आज मेरी मोहब्बत की इज्जत रख और अपने यार को मीना तक पहुंचने में उसकी मदद कर। चर्चा तक बचा रहा है। ओह नो,
अपने मौत का पीछा करते करते तुम यहां तक आ गए नौजवान। तुम कैसे इंसान हो शंकर? दोस्त तो तुम किसी के हो नहीं, दुश्मनी का वादा करके दुश्मनी भी नहीं निभा सके। तुमने मुझसे वादा किया था कि जब मैं जेल से छूटूंगा तुम जेल के दरवाजे पे मेरा स्वागत करोगे। मैं जेल से छूटा और मैंने देखा तुम कहीं नहीं थे। ये देख मैंने किसको कुर्बान कर दिया, इमाम हुसैन के गाजी को, महाराणा प्रताप के चेतक को और मेरे सबसे अजीज इस दोस्त को। अबे ओए, मैं मौत से लड़कर यहां तक पहुंचा हूं क्योंकि विधाता ने तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है, इसीलिए तू जिंदा और सही सलामत मेरे सामने खड़ा है। तकदीर भी यही चाहती है कि मैं अपनों से मिलने से पहले तुझे खत्म करके मेरा परसों का अरमान पूरा हो जाए। अपनों से मिलने की जल्दी तो मुझे भी है, इसीलिए तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचने नहीं दिया, रास्ते में दबोच लिया है मैंने। शंकर, आज मैं तुझसे बेशुमार बदले लूंगा। आज मैं तुझसे उस महान शख्स इकबाल खां की दर्दनाक मौत का बदला लूंगा जो मेरे पिता समान थे। आज मैं तुझसे अपने माता पिता के उन आंसुओं का बदला लूंगा जो मुझसे जुदा होकर बहे हैं। आज मैं तुझसे उस गम का बदला लूंगा जो सारी जिंदगी मुझे तड़पाता रहा। शंकर, आज मैं तेरे खून से ये सारे हिसाब चुकता करूंगा। यही मैं भी चाहता हूं बरखुदा। दोनों दुश्मन एक ही जगह पर मिल गए। सबसे पहले मैं शंकर को खत्म करूंगा। क्यों चाहिए बाबूजी? ये मेरे पति हैं। आज मुझे विश्वास हो गया कि औरत बेवफाई और बेशर्मी की जीती जागती तस्वीर है। बदजात औरत तो अपनी बदकारी का सबूत अपने साथ लेकर आई है। अरे दो वक्त की रोटी के लिए तूने मेरे दुश्मन का दामन थाम लिया, पति के जिंदा होते हुए एक खैरमत की दास्ता बनकर रह गई तू। लानत है तुझ पे, मैं थूकता हूं तुझ पे और तेरी जात पे। बंद करो अपनी बकवास। तुम वो पापी हो जिसे हजारों साल नरक की आग जलाए तो भी उसके पाप जलकर खत्म नहीं होंगे। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम एक ऐसे महान इंसान पर इल्जाम लगा रहे हो जिसके पांव की धूल तक भी छूने की तुम जैसे इंसान को इजाजत नहीं है। तुम वो दरिंदे हो जिसने एक बाप को उसके मासूम बेटे से जुदा कर दिया और फिर सारी जिंदगी उस बेटे की याद में तड़पने के लिए छोड़ दिया। लेकिन भगवान की लीला देखो, उसने बेटे की जुदाई के गम को भुलाने के लिए एक जीती जागती बेटी इनके दामन में डाल दी। इस देवता ने तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी समझकर ही नहीं, उससे भी ज्यादा प्यार देकर पाला पोसा और बड़ा किया। अरे बदनसीब,
जिसे तुम अपना शिकार बनाकर लाए हो वो तुम्हारी अपनी बेटी है। जाओ कहो दुनिया से कि मैं वो बाप हूँ जिसने दुश्मन से बदला लेने के लिए अपनी ही बेटी का अगवा कर लिया। जिस इंसान ने तुम्हारी बीवी को जमाने की भूखी नंगी और बहसी नजरों से बचाया और अपनी सगी बहन समझकर अपने घर में सहारा दिया, उस इंसान के साथ तुमने ऐसा सलूक किया है? ऐसा सलूक किया जाता है? बोलो। वाह, ये तो बड़ा अच्छा ड्रामा चल रहा है। कहानी के सारे करेक्टर एक साथ जमा हो गए हैं। लगता है कहानी का क्लाइमेक्स चल रहा है। लेकिन डॉक्टर, तुम तो जानते हो कि जब क्लाइमेक्स चल रहा होता है तो बहुत सारी जानें चली जाया करती हैं। अब ये देखो ना, मेरे रिवॉल्वर के निशाने पर है तुम्हारी मुंह बोली बेटी, वो बेटी जिस पर तुम अपने 10 बेटे कुर्बान कर सकते हो। और मेरे आदमियों की बंदूकों की नोक पर है वो लावारिस लड़का, गटर का कीड़ा, जो तुम्हारी मुंह बोली बेटी से प्यार करता है और जिसको अपनी औकात का पता तक नहीं है। और शंकर, मेरी बंदूक की नोक पे हो तुम, और मेरे खास आदमियों की बंदूकों की नोक पर तुम हो डॉक्टर। आज तो मेरा बाप मीना को मेरी गाड़ी में बिठा ही देगा। देखो डॉक्टर, बहुत सारे लोग बंदूकों की नोक पर हैं। मजा नहीं आ रही है ना, थोड़ा स्टाइल चेंज करते हैं। एक काम करो, तुम अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उस लड़के को गोली मार दो। मारो गोली। क्या हुआ, हाथ से गोली चल नहीं रही है? मैं चलवाता हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं जरा स्टाइल से 2 गोलियां चलाऊंगा। तीसरी गोली तुम्हारी बंदूक से निकलनी चाहिए, और अगर नहीं निकली तो मैं खुद तुम्हारी बेटी को गोली मार दूंगा। तो शुरू करूं? नहीं डॉक्टर, गोली मत चलाना। मुझ पर पहले ही गुनाहों का बोझ है, अब इसकी जान लेकर मुझे और गुनाहगार मत बनाओ। जिस लड़के पर तूने बंदूक तानी है वो कोई लावारिस नहीं, कोई गैर नहीं, तुम्हारा अपना बेटा है। मेरा बेटा? अरे वाह, ये तो ड्रामे में 4 चांद लग गए। डॉक्टर, तू कहा करता था ना कि तू इस बेटी पे अपने 10-10 बेटे कुर्बान कर सकता है। अब 10 तो नहीं, ये 1 है, इसे कुर्बान कर दे, मैं एक ही से काम चला लूंगा। और साथ में ये भी पता चल जाएगा कि तू जबान का कितना पक्का है। नहीं डॉक्टर, इस हरामजादे की बातों में नहीं आना, ये तुमसे दोहरी चाल चल रहा है। बस, ये डॉक्टर तो अपने बेटे को गोली मारेगा नहीं, ये काम मैं ही किए देता हूं। नहीं! मैं ठीक हूं, तुम जाओ।
अरे दुल्हन को लेके जाओ। चलना धक्का काय को मारता है। चुप। अरे वाह, लफड़ा किया तो क्या हुआ? शंकर मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं डॉक्टर साहब। गुनहगार हूं साहब का, आपका, अपनी बीवी का, अपनी बच्ची का। गुनहगार तो मैं भी हूं, एक डॉक्टर का फर्ज भूल गया था मैं शंकर। उसकी सजा तो मुझे मिलनी थी। नहीं डॉक्टर साहब, आप तो देखते हैं डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब नहीं, समधी कहो शंकर, समधी। दुनिया की तकदीर